Good morning students, welcome back in these revision classes. And as you know that your exams have been postponed, so we are doing revision. And if you have any difficulty, you can ask in these special classes, and whole classes are for you only. So in this class, one topic, that is maps. Map ka jo hamara topic hai wo piche reh gaya tha, aur jaisa ki maine aapko promise bhi kiya tha, around 25 ke around मैं आपको कुछ पॉइंट्स देने वाला हूँ, मैथ देने वाला हूँ, लोकेशंस वो आपको पढ़ के जाना है, और उसके आसपास ही जो है पेपर में आने के चांसेस रहते हैं। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि एग्ज़ाम्स जो है टेंथ के होंगे, 100% कंफर्मेशन के साथ उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक स्पेशल ऐसा कोई नहीं आया है कि जैसे एग्ज़ाम नहीं होंगे, ऐसा कुछ हो, लास्ट टाइम भी हुए तो हम उसको मान के चल रहे हैं। ग्रुप में जो आपके चल रहा है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ अभी पीछे के दो या तीन दिन से टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। टेस्ट के बारे में इन आवर क्लास, हमारी क्लास में ऐसे क्या होने वाला है कि हमने जो है हर चैप्टर के क्या किए, माइनर टेस्ट हमने दिए हैं, जो हमारे क्लासेस हुई थी, फिजिकल क्लासेस आपके स्कूल के अंदर। उसके बाद हमने टू मेजर जो आपके एग्जाम है 3 आर्ट्स का, वो भी कॉन्डक्ट कर लिया है। तो इसके करने के बाद अब मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा क्वेश्चन या किसी तरह का आपको फीलिंग देने का रिक्वायरमेंट है कि आप क्या करेंगे, एक टेस्ट लिख रहे हैं। नो डाउट प्रैक्टिस करनी जरूरी है, और आप भी जो है जो भी आपके टेस्ट नोटबुक में क्वेश्चंस थे या जो भी आपके मेजर पेपर्स में जो भी क्वेश्चंस थे, आप उन्हीं को रिवाइज कीजिए, ठीक है ना। तो वही बार बार लिखने की ट्राई करें और अच्छा लिखने की ट्राई करें, जिससे कि क्या हो, मार्क्स अच्छे आए। अब मार्क्स किसके आए हैं, कम ज़्यादा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और जैसा आपको भी पता और हमने क्लास में भी डिस्कस किया है, वो सब दूसरी बातें। तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, अब से आज की क्लास में तो मैं मैप जो है आपको बता देता हूँ, आप वो लोकेट करना, आपकी बुक में ढूंढने की कोशिश करना, आसपास में मोबाइल्स में कि कहाँ पे वो लोकेशन है, और उसको प्रिसाइसली देखने की एक ट्राई करना। कल से हम क्या करने वाले हैं, अगर आपका कोई किसी का टॉपिक रह गया हो जिसको समझ में नहीं आया हो या रिविजन करना हो, तो आप मुझे क्लास के बाद, अभी जो क्लास हो जाएगी, जो भी हमारा वीडियो रहने वाला है, उसके बाद आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। नहीं तो मैं क्या करने वाला हूँ, जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं टॉपिक्स, जो भी बुक के अंदर, मैं फिर से वही कहूँगा, वैसा कोई टॉपिक रहा नहीं है कि जो आपको पढ़ाने की ज़रूरत है, ऐसा कुछ भी है, फिर भी क्योंकि क्लास चल रही है, रिविज़न है, तो अगर आपका कोई डाउट नहीं है तो हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर बाई चैप्टर, मतलब कि हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, या मैं कल देख लूँगा कि हमें क्या करना है, इकोनॉमी पहले स्टार्ट करना है या पॉलिटिकल स्टार्ट करना है, या जो बाकी जो पीछे रह गए हैं चैप्टर्स वो स्टार्ट करना है, या हिस्ट्री हमें स्टार्ट करना है, तो देख के जो है कल से हम स्टार्ट कर देंगे, और रिविज़न करने वाले हैं हम हर का। फिर अगर डिमांड होगी आप लोगों की, तो जैसे ही हम एक चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लेंगे आपकी बुक का, उसके बाद हम क्या करेंगे, कोई भी रैंडम आपको 4 या 5 क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, और जैसा कि आपका चल ही रहा है दूसरे सब्जेक्ट में, आप क्या कर देना, वो लिख के जो है मुझे वापस सेंड कर देना, और मैं उसको चेक कर दूंगा। पर उसमें मुझे एक डाउट लग रहा है पर्सनली, जो कि मैं जैसा कि आपको समझ पा रहा हूँ और आपको देखता हूँ पिछले 1-2 साल से, जिन लोगों के मार्क्स नहीं आने चाहिए या जिनके कम मार्क्स आने चाहिए, उनके भी फुल मार्क्स आ रहे हैं, जो भी टेस्ट दे रहे हैं, काफ़ी लोग तो टेस्ट दे ही नहीं रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जो है वो एब्सेंट है इसके अंदर। जो लोग भी टेस्ट दे रहे हैं, जो भी आपके पर्टिकुलर अभी हो रहे हैं, उसके अंदर सबके देख रहा हूँ, सभी अच्छा आंसर कर रहे हैं, तो मेरा अनुमान है कि वो जो है काफ़ी लोग शांति से, काफ़ी लोग जो है पंक्चुअलिटी से, काफ़ी लोग जो है ईमानदारी ऑनेस्टी से जो है वो आंसर लिख रहे हैं, बाकी लोग नकल मार रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं। तो मुझे आप पे विश्वास बिल्कुल नहीं है, इसीलिए ये चीज़ स्टार्ट की गई, ताकि रिविज़न होता रहेगा और हम आगे बढ़ते रहें, ठीक है ना। तो आज हम मैप की क्लास को स्टार्ट कर दें। आप क्या कीजिए, एक पेपर या अपनी नोटबुक या कुछ भी निकाल दीजिए, उस पर ये जो मैं पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ वो लिख लें, उसको लोकेट करना आप, ठीक है ना। चलिए, द फर्स्ट, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपका एक पेज नंबर 171 है बुक के अंदर, उसके अंदर राजस्थान का एक मैप बना हुआ है, राजस्थान का एक पर्टिकुलर मैप बना हुआ है, लेफ्ट साइड के अंदर ये पेज है, और 171 पेज राजस्थान का पूरा मैप है, वो पॉपुलेशन वाला और लिटरेसी वाला वो जो चैप्टर है उसके अंदर। तो इसके अंदर राजस्थान के जो भी आपके 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो आपको पूरे याद होने चाहिए। क्यों, इस बार क्या है कि 40% सिलेबस कम हो गया है, तो काफ़ी चीज़ें कम हो गई, इसलिए हमें
अब 60% में कौन सा इंपॉर्टेंट है वो उसको ध्यान रखना है, और राजस्थान जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है अगर एग्जाम में आता है तो। तो 33 डिस्ट्रिक्ट जो है जो पेज नंबर 171 पे जो लिखा हुआ है वो आपको सब पता होना चाहिए लोकेशन कहाँ पे, कि भाई ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि मिनरल्स में भी है, पॉपुलेशन में भी है, लिटरेसी में भी है, तो इन चैप्टर में से ये क्वेश्चन उठ सकता है, वाटर रिसोर्सेज में भी है। तो सबसे पहले आपको जो नोट करना है वो राजस्थान का मैप जो है वो पूरा 33 डिस्ट्रिक्ट, तो ये पहला पॉइंट हो गया। इसके बाद आपको क्या देखना है, सेकंड जयपुर, अल्टीमेटली वो इसके अंदर आ ही गया है फिर भी इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना, तो ये सवाई जयसिंह की वजह से ही हम इसको पढ़ते हैं और भी कारण। इसके बाद आपको जो है थर्ड पॉइंट बनना है वो आपको देखना पड़ेगा आगरा का, फिर आपको लोकेट करना है लखनऊ, लखनऊ के बाद अगर हम यहां से चले, लखनऊ के बाद आपका रह जाता है सूरत। देखो राजस्थान के अंदर जो है जयपुर तो इंपॉर्टेंट, एक भीलवाड़ा करके एक आएगा डिस्ट्रिक्ट वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोकेट जरूर कर। सूरत, सूरत के बाद अगर हम गुजरात से चलें, सूरत के बाद इंपॉर्टेंट वडोदरा इंपॉर्टेंट रह जाता है, ठीक है लिख लीजिए आप, वडोदरा जो है वो इंपॉर्टेंट रह जाता है। उसके बाद मैं आगे चलूं तो जो इंपॉर्टेंट है गांधीनगर, गांधीनगर, उसके बाद हम आगे चलें महाराष्ट्र में पुणे, फिर बॉम्बे, फिर टेंथ में हम घूमे, आप मेरे साथ ही नोट कर सकते हैं, टेंथ में अगर हम घूमे तो बॉम्बे के बाद आ जाता है चेन्नई, जो इंपॉर्टेंट है चेन्नई, मेट्रो सिटीज जो भी है वो सारी इंपॉर्टेंट है, चेन्नई, कांचीपुरम, ये आपको हिस्ट्री वाले में मिल जाएगा। उसके बाद जो ट्वेल्थ है वो आपको देखना है तंजौर, फिर आपको देखना है थर्टींथ, तंजौर के बाद में आपका हो जाएगा यूपी में आते हैं कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, ठीक है ये इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद एमपी के अंदर अगर आप बढ़ें तो भोपाल जो है वो कैपिटल भी है वहां की, भोपाल 117 में आप बढ़िए इंदौर की तरफ, फिर मेट्रो सिटी में आप आइए कोलकाता, फिर आप 19 में आपको पता होना चाहिए उड़ीसा कहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि पेट्रोलियम वाला चैप्टर है आपका तो आसाम जो डिगबोई वगैरह है तो आसाम आपको पता होना चाहिए आसाम कहाँ पे। उसके बाद आपके रह जाता है बेंगलोर, उसके बाद आपके रह जाता है 22nd बेंगलोर के बाद में इम्पॉर्टेंट नॉर्दर्न साइड में जम्मू कश्मीर आपको पता है, चेन्नई हो गया है, कोचीन अगर हमने नहीं लिखा है तो एक इम्पॉर्टेंट है कोचीन, क्योंकि ये क्या है एक डॉकयार्ड है, बंदरगाह है वहाँ पे कोचीन में, कोचीन के बाद आपके रह जाता है 23rd हैदराबाद, 24th गोवा, क्या हमने बेंगलोर लिख लिया है, हाँ गोवा हो गया। उसके बाद जो आपका 25th रह जाता है वो हो जाता है आपके जो भी कोल माइंस जहाँ पे भी आ रखे, कोल माइंस हैं, कोल माइंस के बारे में आपको पूरा देखना है कि ये कौन सी चीज़ कहाँ पे आई हुई है, कोल एरिया कौन सा है, किधर कहाँ कोल ज़्यादा मिलता है, ये पूरा टॉपिक ही इम्पोर्टेंट है। तो पेज नंबर 147 पे ये आपको जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो टेबल बना हुआ है वो आपको पूरा मिल जाएगा। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट रह जाता है सबसे इम्पोर्टेंट इंदिरा गांधी कैनाल, ये स्टूडेंट ऐसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली कि इंदिरा गांधी कैनाल कहाँ पे, तो आपको जैसा कि मैंने बताया था मान लीजिए ये राजस्थान का मैप है तो आपको ऐसे बताना है कि ये जो है यहाँ से आ रहा है इसका कुछ डिस्ट्रीब्यूटरी वगैरह है, ठीक है ना, कैनाल्स वगैरह। तो इस हिसाब से आपको ये 25-26 जो पॉइंट्स हैं वो आपको देखने हैं, क्योंकि राजस्थान के 33 डिस्ट्रिक्ट आ गए हैं इसके अंदर, भीलवाड़ा जयपुर इंपॉर्टेंट है, इंदिरा गांधी कैनाल, कोल माइंस डायरेक्टली तो मैंने यही दिया, कोल माइंस के बारे में आपको पढ़ना है कौन सी कहाँ पे चीज़ है, राजस्थान का मैप हो गया, और बाकी जो ये लिखे हुए ये आपको पता होने चाहिए। और डॉकयार्ड वगैरह कोई रह जाता है
आई डोंट थिंक इसके अलावा कोई रह जाता है। ठीक है, जो सबसे लास्ट पॉइंट है आपका कन्याकुमारी, कन्याकुमारी जो पॉइंट है हमारा वो पता होना चाहिए। जम्मू कश्मीर आई थिंक आपको पता है, हरियाणा आपको पता है, पंजाब आपको पता है, उसके बाद ठीक है। चंडीगढ़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, चंडीगढ़ कहाँ पे है। और स्टूडेंट मुझे नहीं लगता कि स्टूडेंट्स इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट ऐसा रहता है, तो जैसा कि मैंने कहा था 25-26 जो भी है आपका पॉइंट रहने वाला है, दो बार आ गया, जो भी आपका ये जितने भी हुए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं और ये आपको मार्क करने हैं। अब अननेसेसरी कोई भी ग्रुप में मैसेज नहीं करेगा, और मैं देख पा रहा हूँ कि काफ़ी लोग मैसेज करते हैं उसको आप पर्टिकुलरली डिलीट कर देते हैं, खास करके जैसे रघुवीर हो गया, या अगर हम बढ़े तो नीरज हो गया, या इस तरह के और भी नाम लेने की कोई इस तरह रिक्वायरमेंट नहीं है। इन लोगों से मेरा यही रहेगा, न्यूसेंस क्रिएट ना करें ग्रुप के अंदर आप, ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है आपको पढ़ाने के लिए, रिवाइज करने के लिए, रिविज़न पर ध्यान दें। काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं एग्ज़ाम नहीं होंगे, होंगे, आपको अभी प्रिपेयर करना है। अगर आप स्कूल में पढ़े हो मुझसे, मैंने आपको बताया था आपको फोकस्ड रहना है, कुछ भी हो जाए आपको प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी। कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका वीक है, मार्क्स नहीं आ पाए थे, तो वो आप उसको प्रिपेयर करो, वो अपने टीचर्स जो भी रेस्पेक्टिव फैकल्टी है उनसे आप पूछ सकते हैं। नहीं तो सोशल में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि सोशल एक ऐसी चीज़ है अगर आप टच में रह रहेंगे तो आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो लिखोगे क्या, आपको सारी चीज़ें पता तो होगी पर वहाँ पर लिखोगे क्या, तो ये चीज़ है आपको रिवाइज करते रहना है, पॉइंट्स बनाने हैं। जैसा कि हमने एग्जाम्पल लिया था, काफ़ी स्टूडेंट जैसे मीनाक्षी भाग्यशालिनी, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पॉइंट्स बनाए हैं, तो आपको वो फोकस रखना है और अननेसेसरी मैसेज नहीं करने हैं। किसी का जेन्युइन डाउट है तो वो इस क्लास के बाद में डाल देना कि सर ये डाउट है आप इसको बता दें, हो सकता है कल नहीं तो उसके आप बाद में जो है आपको वो टॉपिक डिस्कस हो जाएगा आपका इसके अंदर। और जैसा कि प्रोग्रेस करेंगे मैं देख लूँगा अगर आपका मन है या नहीं है, वास्तव में आप पढ़ना चाहते हो नहीं चाहते हो, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो हम इसका एग्ज़ाम या उसका कुछ एक इनिशिएटिव या एक इनोवेटिव तरीका ढूंढ लेंगे किस तरह से आपके एग्ज़ाम लिए जाएं। ठीक है, और बाकी जो क्लास टेस्ट हुए थे या बाकी जो मेजर पेपर्स हुए थे जो आपने स्कूल के अंदर दिए, वो आप उसको रिवाइज करते रहना, उसी में से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। बाकी हम क्लास में सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स, तो ये वीडियो जो है शॉर्ट ही रहने वाला है आज, क्योंकि इंट्रोडक्टरी वीडियो है। कल से आपका जो भी कोई डाउट हो तो आप मुझे डाल दें, ट्राई करें अगर किसी ने पहले ग्रुप में देख लें एक बार, किसी ने अगर वो डाउट डाल दिया पर्टिकुलर तो उसको फिर से रिपीट ना करें, और अननेसेसरी बात पूछने की जरूरत नहीं है, कल क्या होगा, टेस्ट होंगे नहीं होंगे, कैसा, क्यों, कब, कैसे, बकवास चीज़ें जो आप पूछ रहे हो वो नहीं पूछना है। आप समझदार हो, टेंथ क्लास में हो, इलेवंथ में आने वाले हो, ठीक है ना। अब आपको स्ट्रीम चुनना है कि मुझे साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है, क्या लेना है, कहाँ जाना है, क्या पढ़ना है, ठीक है, तो उसमें आप फोकस करो, डाइवर्ट नहीं होना है। स्कूल जो है वो फिर से खुलेंगे, जून में खुल जाएंगे, जुलाई में खुल जाएंगे इस बार, क्योंकि वैक्सीनेशन हो रहा है, और ज़्यादा इस बार इतना नहीं चलने वाला है कि सितंबर अक्टूबर में स्कूल खुलेंगे, जून या जुलाई में स्कूल खुल जाएंगे। और बाकी जो दूसरी क्लासेस हैं उनके लिए हमने नई क्लास स्टार्ट कर भी दी है, आपके एग्ज़ाम होंगे क्या होंगे उसके बाद हम डिसाइड कर देंगे। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो फिर से मैं बोल रहा हूँ आप पूछ सकते हैं, ये सारा आप मेंशन कर लेना, लिख लेना, ठीक है, और ये वीडियो आपके पास अवेलेबल है, इसको देखो आप, और कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू।